परम सम्मान योग गुरु रूप खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप सारे संसार विच वसदियां कलगीधर पिता नीलंबर धारी शस्त्र धारी महाकाल दा स्वरूप श्री दसम ग्रंथ साहिब जी श्री सर्वलोह ग्रंथ स्वरूप दे रचनहार सरबंस सदानी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब जी दे प्यार वाले अते दशमीश पिता जी दी बाणी नूं प्यार करन वाले सिख संगतां दे अज दास रू बरू होण लगा है। सत्कारयोग सात संगत जी, धन कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब जी ने जिथे दसम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन गुरबाणी दी रचना कीती, उत्थे सत्कारयोग साध संगत जी गुरु साहिब जी ने श्री सर्वलोह ग्रंथ साहिब जी भी श्री सचखंड हजूर साहिब जी दी धरती श्री सर्वलोह बुंगा विखे सतगुरां ने पावन बाणी दी रचना कीती। और इस तों अलावा गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब जी ने बहुत सारे अपने श्री मुखवाक जो सात संगत जी सतगुरां दे नाल 52 विद्वान कविजन सतगुरां दे दर्शन दीदार और सतगुरां दे कल्ले कल्ले बोल नूं अपने कलम नाल कलमबद्ध करदे सन, उत्थे होर बहुत सारी पवित्र सतगुरां दी श्री मुखवाक बाणी जो सात संगत जी दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी ते श्री सर्वलोह ग्रंथ साहिब जी विच ना दर्ज हो सकी, और ये बाणी जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब जी दी ही मन्नी जांदी है, जिवें कि उग्र दंती दा जाप और श्री ब्रह्म कवच जी दा जाप। सात संगत जी, अज दास आप संगतां दे सन्मुख बाणी श्री ब्रह्म कवच दी संखेप विच विचार सांझी करांगा, कि क्योंकि कुछ समय तों इस पावन बाणी प्रति कुछ कु विद्वानां ने शंके जता दिते ने, और इन्हां शंकियां कारण सत्कारयोग सात संगत जी खालसे पंथ विच निर्मले पंथ विच निहंग सिंह जथेबंदियां विच और सिख पंथ दी महान संस्था टकसाल दमदमी टकसाल दे विद्वानां दे विच कई विचारां चल पईआं ने, क्योंकि हर रोज जिथे गुरु के पंथ श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल विच और बुढ़ा दल तों थापियां गईआं 12 मिसलां विच जथेबंदियां विच श्री ब्रह्म कवच बाणी दा जाप हुंदा है, उत्थे सत्कारयोग साध संगत जी तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब भी बहुत सारे पुरातन गुरसिख परिवार इस पावन बाणी दा जाप नितनेम दे नाल नितनेम दीआं बाणियां दे नाल करदे ने। सात संगत जी, इसे तरह ही ये पावन बाणी दा जाप तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहिब विखे भी बहुत सारे पुरातन गुरसिख परिवार नितनेम दे नाल करदे ने। श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल 96 करोड़ी चलदा वहीर चक्रवर्ती निहंग सिंघां विश्व पंजाब, सात संगत जी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल तों थापियां गईआं 12 मिसलां और रंगरेटे गुरु के बेटे जथेबंदियां विच ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ।
और गुरु साहब तो वरसाए हुए निर्मल पंथ, उदासीन पंथ ते होर संप्रदावां विच प्यार नाल इस बाणी दा जाप हुंदा है, जो के खालसा पंथ विच अज तो नहीं पिछले 3.5 सदियां तो इस बाणी दा जाप छीना बछीना सतसंग जी हुंदा आ रहा है। सो आओ दास आप संगतां दे नाल श्री ब्रह्म कवच बाणी दी संक्षेप विच विचार बचन सांझे करेगा। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी दी पावन इस गुरबाणी दी आरंभता एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। श्री भगवती जी सहाय अथ भगवती ब्रह्म कवच लिखियते। इस पावन बाणी दी आरंभता मंगलाचरण तो आरंभ हुंदी है, जिस बाणी विच शक्तियां दा जिक्र महाराज कहिंदे ने कि करन जा रहे ने। आखिर उन्हां सारियां शक्तियां दा मालक आप अकाल पुरख एक ही है अते उस दी सदा फतेह है, सदा जित है। इस पावन बाणी नूं पढ़न वाले आदि शक्ति सहायता करदी है ते ए बाणी रखिया दा कवच बनदी है। पातशाही दसवें पातशाह जी दे सिरलेख हेठ ए पावन बाणी दी आरंभता है जी। खड़ग खंडा असी अरगर धर्म रच तग छत्री, भाव के परमात्मा दीयां शक्तियां दा ए बाणी जिक्र करदी है। खड़ग तेगा खंडन करन वाला, वैरियां दा खंडन करदा है। खंडा दोतारा शस्त्र, सारे शस्त्रां दा श्रोमणी मर्द शस्त्र, जिस शस्त्र बाबत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी कहिंदे ने कि खंडा प्रथमै साज कै जिन सब संसार उपाया, कि पहला खंडे दी साजना हुई फिर सारे संसार दी उत्पत्ति। खंडा शब्द है शस्त्रां दा श्रोमणी शस्त्र। असी अरगर शस्त्रधारी जो जंग मैदान अंदर वैरियां दा नाश करन वाला है, धर्म विच परपक्क रहन वाला शस्त्रधारी ओ सूरमा है जो सूरमे शस्त्रां दे नाल प्यार करदे ने। विश्वपाल भूपाल पछ पल पछ रण कच्छ अत्री, विश्व दी पालना करन वाला जगत दे राजयां दी संभाल करन वाले ते उना तों खोन वाले दी समर्था रखन वाला, मूर्खां दा खात्मा करन वाला है ते सूरमे उसदी दित्ती शस्त्रां दी शक्ति नूं हथ विच फड़ के जंग मैदान अंदर फतेह प्राप्त करदे ने, जित प्राप्त करदे ने। राजमंडा अत प्रचंडा ईश्वरी करवार है, कथन है कि रंका नूं राज भाग माण बख्शन वाला है, वड्डे प्रताप वाला है। उसकी शक्ति सारे संसार दी राणी है ते उस शक्ति दा राज ही इस सारे संसार विच है। शक्त ब्रह्मनी बिस्नवी भवानी तू तरवार है, तू दुर्गा ब्रह्मा दी इस्त्री, विष्णु दी इस्त्री, शिव दी इस्त्री, पार्वती इना शक्तियां नू साजन हार है, रचन वाला है। इना सारियां शक्तियां नू साज करके हे परमात्मा तू आप ही इना दे सिर उपर अपनी हुक्म दी कार चलाउंदा पिया है। नित ज्योति मुक्तदायक धारा धर कृपान है,
जर्रे जर्रे विच प्रकाश होण वाली जोत मुक्ति देण वाली शक्ति आप ही कृपान रूप तू ही है। चंड का मृत जगत जननी काल का गुण खान है। क्रूर दैता नूं मिट्टी विच मिलाउण वाली संसार नूं जन्म देण वाली तू गुणा दी खान है। अकाल ज्योति निह कलंक का महाबली त्रतमान है। ना नाश होण वाली जोत है उसनु कलंक कोई नहीं ते सर्व शक्तियां दा ओ परमात्मा मालक है। पवमान का खलहान का रतपान का जगमान है। सारा ही संसार इस शस्त्रां दी शक्ति नूं मान दिंदा है, सत्कार करदा है, क्योंकि ए सारे संसार नूं ज्ञान है कि इस तों बगैर किते वी किसे वी किते विच फतेह नहीं हासिल होवेगी, जित नहीं प्राप्त हो सकदी। मेरे पातशाह जी ने 32 नावां दा अकाल पुरख दीआं शक्तियां दा वर्णन कीता है और इस जाप नूं जपण दा मेरे पातशाह जी महात्म दसदे ने कि इस बाणी विच आए 32 नामां दा जो मंत्र है महाराज उसका लाभ दसदे ने कि इस ब्रह्म कवच बाणी नूं विधि अनुसार जाप करन वाले नूं रिद्धियां सिद्धियां दी प्राप्ति होवेगी, संसार ते जित प्राप्त होवेगी, निरंकार तक दा रास्ता सफला होवेगा और ये बाणी इस संसार विच धन पदार्था विच अतोटताई बख्शेगी, धन पदार्थ अंदर बरकत बख्शेगी, क्योंकि धन तो बगैर इस संसार विच गुजारा नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सर्वलोक ग्रंथ विच कथन करदे ने कि आद भवानी ईश्वरी माया जाको नाम इन बिन सरैन एक छिन पूर्ण होत न काम। माया तो बगैर कोई भी कार्य संसार विच पूरा नहीं हुंदा, इसलिए ए ब्रह्म कवच दी बाणी दा जाप विधि अनुसार करन वाले नूं रिद्धियां सिद्धियां दी प्राप्ति, बुद्ध विद्या दी दात, ग्रंथां दा ज्ञान, पदार्थां विच बरकतां और धन माया दी प्राप्ति और संसार दा सारा सफर निर्विघ्नता सह तय करके निरंकार तक मनुख पहुंच जांदा है। महाराज कथन करदे ने कि एक कवच ब्रह्मा को 32 पढ़े जो नित छत्री, छत्री दा भाव है शस्त्रधारी सूरमा, रणजीत लह निर्भीत रह रिद सिद्ध पावे अत्री, लह भेद भेद जो पढ़े विपर वैश्य धन सुख संपता, तन धाम तन आरोग सूदर पाए सुख अकंपता। महाराज कथन करदे ने कि एह बोला हर गोबिंद का सुनो खालसा वीर, फतेह पाओ मैदान मैं पकड़ हाथ शमशीर, क्योंकि खालसा पंथ साध संगत जी इन्हां शस्त्रां नूं हाथ विच पकड़ के जंग मैदान विच फतेह पाउंदा रहा है, पौंदा पिया है ते पौंदा रहेगा, क्योंकि खालसा पंथ छत्री है। छत्री कहिंदे ने शस्त्रधारी नूं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज शस्त्रधारी पंथ दा जिक्र सर्वलोह ग्रंथ साहिब विच कथन करदे ने, अकाल उपाशक छत्री धर्मा रण कट कस प्रधान है, तमह पंच 40 परवाना पंच प्रधान खालसा ठै, श्री अजीत सिंह जुझार सिंह जोरावर सिंह फतेह सिंह प्रै, पंचम खालसा सतगुर पूरा जिन ए पंथ सो पंथ प्रगट है, 40 नर ए बीज खालसा मुक्ते पावन सिंह बली,
मात भगवती पिता अकाल पुरख गोद लियो दे खास पली भगवती माता श्री साहब। अरदास विच पहला श्री साहब भगवती दा ही नाम आउंदा है। एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नहीं त्याय। तीन बारह पहला अरदास विच नाम आउंदा है भगवती शब्द। महाराज कथन करदे ने के मात भगवती खालसे पंथ इना क्षत्रिया शस्त्रधारी सूरमिया दी माता खालसे पंथ दी माता श्री साहब है ते पिता अकाल पुरख के पिता ओ अकाल पुरख परिपूर्ण परमात्मा है। गोद लियो दे खास पली जिसने गोद विच विशेष तौर ते खालसे पंथ नू लेना कीता है। सकल भरम पर हर कर हर जन सत नाम सुच मंत्र बली आप जपत अर जगत जपावत भगत शिरोमण माहे कली। इथे बासनी सत्कारयोग साध संगत जी शस्त्रधारी होण दा खालसे पंथ दा प्रतीक गुरु गोबिंद सिंह महाराज दसम गुरु ग्रंथ साहिब विच जतौंदे ने कहिंदे ने कि छत्री का पूत हम बामन को नह कै तप आवत है जोर करो। सत्कारयोग साध संगत जी इस लई श्री ब्रह्म कवच बाणी दा जाप खालसे पंथ अंदर शस्त्रां दी पूजा अकाल पुरख परमात्मा दी उस्तत है। साढ़े तीन सदियां तों इह जाप खालसे पंथ विच हुंदा आ रहा है। मैं बेनती करदी हां कि कई सज्जन कह दिंदे ने तर्कवादी कह दिंदे ने कि इसका प्रमाण कोई नहीं। खालसा पंथ प्रतख प्रमाण है। इस तो वड्डा प्रमाण संसार विच एक गल स्पष्ट करन दा होर कोई नहीं कि ब्रह्म कवच बाणी सतगुरां दी बाणी नहीं। क्योंकि श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल 96 करोड़ी चक्रवर्ती निहंग सिंघां विश्व पंजाब पंजवां तख्त पंथ विच इस बाणी दा जाप रोज नितनेम अनुसार हुंदा है। फिर श्री मिसल शहीदां तरना दल श्री बाबा बकाला साहब दल पंथ दे अंदर मिसल शहीदां तरना दल श्री हरियां बेलां साहब जथेबंदी दल पंथ दे अंदर संप्रदाय दल बाबा बिधी चंद जी दल पंथ दे अंदर मिसल बाबा वीर सिंह जी शहीद नौरंगाबादी झाड़ साहब वाले दल पंथ दे अंदर गुरु नानक दल मड़ियां वाला तरना दल भिखी पिंड तरना दल मेहता चौंक तरना दल ख्याला साहब श्री दशमेश तरना दल बाबा वीर सिंह जी ते बाबा धीर सिंह जी मालवा तरना दल मिसल बाबा बघेल सिंह जी तरना दल मिसल बाबा जीवन सिंह जी वल्ला वेर का साध संगत जी इना मिसलां विच आद तो ही ए जाप हुंदा आ रहा है ते हुंदा है ते हुंदा रहेगा। ए महाराज साहब जी दे समय तो वरसाईयां हुईयां मिसलां ने और सब तो वड्डा पंथ श्रोमणी पंथ बुढ़ा दल जिस विच साध संगत जी ए जाप रोज हुंदा है इस तो वड्डा प्रमाण होर कोई नहीं। मैं एक शंकावादियां नूं बेनती कर दिया कि तख्त श्री हजूर साहब दे अंदर जेडे गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी दे समय तो पुरातन परिवार चलदे आ रहे ने ना हजे कईयां नूं इह पता नहीं तां ही साध संगत जी तर्क वल चल पैंदे ने बगैर ज्ञान ज्ञान विहूणा गावै गीत वो गल बनी पई है। किते इतिहास देखियो श्री हजूर साहब दा साध संगत जी ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे समय तो किन्ने परिवार उत्थे वरोसाए हुए ने। निशानची परिवार है नगारची परिवार है रहरासिया परिवार है
तूफिया परिवार है, लांगरी परिवार है, ग्रंथी परिवार है, आरतिया परिवार है, तख्त इशनानिया परिवार है, रागी परिवार है, ते महंत परिवार है, ते दरोगिया परिवार है। दरोगिया परिवार उन्हों कहते ने जेडे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे घोड़े नीले की सेवा परिवार करदा रहा सी। अज भी मौजूद ने बहुत वड्डे विस्थार विच ए परिवार दखण दी धरती ते साध संगत जी अपनिया जड़ां फैलाई बैठे ने और ए जड़ां अज पंजाब तक पहुंच चुकियां ने। साध संगत जी इना सारे परिवारां दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी दे समय तो ही ब्रह्म कवच बाणी दा जाप हुंदा है। फिर श्री बंदा घाट साहब पावन अस्थान दे साध संगत जी गुरुद्वारा साहब दे पहले जत्थेदार जड़े सन बाबा सोहन सिंह जी जिन्हां दा एक नाम होर पिछौरा सिंह। पिछौरा सिंह उन्हां नूं तां कहिंदे सन क्योंकि उन्हां दा जन्म जिहड़ा सी लाहौर पाकिस्तान पिछौर विच होया सी। इह पैदल चल के हजूर साहब बचपने विच चले गए सन और उत्थे जा करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरणा दी सेवा कीती। उस तो बादा सत्कार योग साध संगत जी उत्थे तुरकां दे नाल जंग होया, तुरकां दा सिर झटक दिता, उत्थों झटका करके फिर पंजाब दी धरती श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल दे विच आ गए। बुढ़ा दल दे विच आण करके सेवा कीती। फिर महापुरख सचखंड वासी सिंह साहब जत्थेदार बाबा चेत सिंह जी उन्हां महापुरखां तों आग्या लै करके सतसंग जी महापुरख संत बाबा सुंदर सिंह जी खालसा सचखंड वासी जत्थेदार दमदमी टकसाल उन्हां महापुरखां दे कोल बाबा जी तों आग्या लै करके संथ्या करन वास्ते दमदमी टकसाल विच आए। इथों संथ्या करके फिर दो ढाई साल दे करीबन निशानची सिंह दी सेवा बुढ़ा दल विच निभा करके फिर बाबा जी दी आग्या लै करके सचखंड श्री हजूर साहब फिर वापस गए और उत्थे जा करके साध संगत जी जेडी ब्रह्म कवच पावन गुरबाणी सारे शीना बशीना हथ लिखत या साध संगत जी मुजबानी करदे सन बाबा जी हुणा ने पहली बारां उत्थे गुटका साहब छिपवाए। इसे तरह ही सत्कारयोग साध संगत जी दास जदों सचखंड साहब जी दीआं वड्डीआं परिक्रमा हो रहीआं सन लंगर साहब पावन अस्थान दे मौजूदा महापुरख उस समय दे सचखंड वासी संत बाबा शीशा सिंह जी उना दी देख रेख हेठ सचखंड दीआं परिक्रमा वड्डीआं कीतीआं जा रहीआं सन। दास दा ख्याल है करीबन 1986-87 दी इह सेवा है क्योंकि दास दी दल पंथ दे अंदर भर्ती 1988 दशहरे वाले दिन दी है। सो सत संगत जी उस समय परिक्रमा दे विच करीबन 110-111 साल दी उम्र दे बुजुर्ग हुंदे सन ते ओह ब्रह्म कवच बाणी दा जाप करदे सन ते उदों तां इन्ना ख्याल नहीं सी। बचपना होण कारण सिर्फ सेवा ते खेडण विच ते साध संगत जी सचखंड दीआं परिक्रमा विच बैठ करके कथा कीर्तन दा ही सिर्फ ख्याल हुंदा सी ते इन्नियां डूंघियां विचारां विच साध संगत जी बचपना होण करके ना जा सकिया। मेरे सत्कारयोग लांगरी परिवार विचों जसपाल सिंह जी और मेरे सत्कारयोग जो रोज हर रोज हुंदी तख्त साहिब ते कथा करवाउंदे ने बाबा विजय सिंह जी, वो महापुरख
और पुजारी परिवार विचों मेरे सत्कार योग राजविंदर सिंह जी रज्जू और मनप्रीत सिंह जी मनू कुंजी वाले उन्हां नाल विचार हुई सी कि वह बुजुर्ग साढ़े जिहड़े बुजुर्ग सन उन्हां दी 110 साल दे करीबन उम्र सी। सत्कार योग साध संगत जी वह जाप करदे सन, वह कहिंदे सन कि साढ़े दादा जी ने यह जाप कंठ करवाया। उन्हां नूं उन्हां दे दादा जी ने भाव तीसरी चौथी पीढ़ी उन्हां दी चलदी है ते साध संगत जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी दे ओ हजूरी सिख रहे ने, सेवादार रहे ने। इस तों वड्डा प्रमाण साध संगत जी आपां होर की दे सकदे आ, जिहड़े अज कल थोड़ी बहुती विद्या पढ़े, कालजां दीआं पढ़ाईआं पढ़े, उन्हां नूं इही लगदा है कि बस इह जिहड़ा सामने लिखिया है इह इन्ना की होवेगा, इस दी बैकग्राउंड पिछला इसदा इतिहास कोई नहीं। सत्संग जी ए तां शीना बशीना इतिहास चलदा आ रहा है और ए शीना बशीना गुरबाणी ब्रह्म कवच दा जाप चलदा आ रहा है, जिथे श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल अते 12 मिसलां विच ए महाराज दे समय तों जाप चलदा आउंदा है। उत्थे सत्संग जी उन्हां सारे परिवार जो हजूर साहिब दी धरती ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरणां विच रहिंदे ने, बराई दे ने, सात संगत जी सेवा कर दे ने, साडे नालों ज्यादा उन्हां दा सात संगत जी गुरु साहिब जी दी पावन बाणी ते निहंग सिंह त्यार पर त्यार बाणी दे नाल सात संगत जी प्यार है। इन्हां नालों वड्डा प्रमाण होर की हो सकदा है। सत्कारयोग सात संगत जी रामगढ़िया परिवार महाराजा रणजीत सिंह जी दे समय तों जो रामगढ़िए सिख उत्थे वसे ने, अज भी सात संगत जी उन्हां श्रोमणी परिवारां दे विचों सात संगत जी सत्कारयोग रवि सिंह जी बुंगई इन्हां दा परिवार इस श्रोमणी परिवार है। इस परिवार दे विच भी ब्रह्म कवच बाणी दा जाप हुंदा है। इन्हां दे मामा जी सत्कारयोग बाबा सरदारा सिंह जी जिन्हां ने जथेबंदियां दा सारा तालमेल हजूर साहब दे नाल जोड़ करके रखिया सी, बचपने तो ही उत्थों कुछ सिंह लैने बड़े औखे सफर कटदिया होया, बड़े औखे सत्संग जी पंजाब दी धरती तक वह पहुंचते सन। एक तो उदो माहौल भी बहुत खराब सी, फिर भी इत्थे पहुंच करके सत्संग जी पहला बुढ़ा दल विच जा करके हाजरी भरनी, फिर दास दा श्री बाबा बकाला साहब जथेबंदी विच होण करके बाबा बकाला साहब तरना दल दे विच आण करके हाजरी भरनी उन्हां ने, फिर संपरदाय दल बाबा बिधी चंद विच जाना, फिर सत्संग जी इसे तरह मिसल शहीदां तरना दल श्री हरियां बेला साहब जथेबंदी विच दल पंथ दे विच आउणा, एक एक दो दो चार चार दिन जिन्ना जिन्ना समा वो जथेबंदियां विच विचरदे सन सात संगत जी, वह सारा ही गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी दे वरतारे साखियां सुनाउंदे हुंदे सन ते दल पंथ दे कोलों सुन के जा करके उत्थे सात संगत जी संगतां नूं वह सुनाउंदे सन। भाव ऐसे बहुत सारे परिवार ने जिन्हां दा सारियां दा नाम तां जिहड़े श्रोमणी परिवारां दे विच ने सात संगत जी दास समा थोड़ा होण करके लै नहीं सकदा। ए तां सिर्फ एक शंकावादियां नूं दास ने जवाब दिता है कि इस तों वड्डा प्रमाण होर कोई नहीं कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी जथेबंदी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी साहिब बाबा बुढ़ा साहिब जी दे नाम ते चलदी हुई सतगुरां दे समें तों जथेबंदी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल ते 12 मिसलां विच ए जाप हुंदा है। इस तों वड्डा होर प्रमाण कोई नहीं। सत्कारयोग साध संगत जी मैं तां सिंह साहिब जथेदार बाबा बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी महापुरखां नूं और 12 मिसलां दे जथेदार सिंह साहिबानां नूं इह बेनती करांगा कि 100 साल तों वधीक समां इन्हां मिसलां ने बुढ़ा दल ने साध संगत जी घोड़ियां दीआं काठियां ते
समा जिहड़ा गुजारिया घोड़ियां दियां काठियां ते रह करके गुरधामां दी राखी कीती, मजलूमां दी राखी कीती, जंग युद्ध लड़े, चढ़के आउंदे जरवानियां तों हिंदुस्तान दी धरती नूं बचाया, सिख धर्म नूं साध संगत जी रख्या दा कवच बन के जंगलां विच रहे ने। सत्संग जी ऐसे महान श्रोमणी पंथ जथेबंदी बुढ़ा दल दे महापुरख, इस जथेबंदी विच सत्संग जी जिन्हां जथेदारां दी सिंह साहिबानां दी स्थापना हुंदी है, इह छोटी मोटी गल नहीं। सत्संग जी सब तों पहलां घोड़सवारी विच निपुण होना चाहीदा, एक एक दो दो चार चार घोड़े भजाउण विच निपुण होना चाहीदा, शस्त्र विद्या विच पूर्ण होना चाहीदा है। आ दसम श्री सर्वलोह दी पावन गुरबाणी दा संथियाई होना चाहीदा है, फिर पलटा करना आउणा चाहीदा है, लोइए करने आउणे चाहीदे ने, दाल बनाउणी आउणी चाहीदी है, प्रसादे वेलने आउणे चाहीदे ने, सत्संग जी चंडा करना आउणा चाहीदा है, सारे गुण ने। जदों इना तमाम सारे गुणा विच निपुण हो जांदा है, सत्संग जी फिर इस जथेबंदी विच इस पंथ दी दस्तारबंदी उस सिंह साहिब नूं हुंदी है, क्योंकि यह पंथ जिहड़ा है पंजवां तख्त है, चलदा वहीर है, चक्करवर्ती है। सो मैं बेनती करदी हां सिंह साहब जथेदार बाबा बलबीर सिंह जी 96 करोड़ी महापुरखां नूं और सारियां 12 मिसलां दे सिंह साहब जथेदारां नूं कि 100 साल तों वधीक दा समां जथेबंदियां ने, गुरु कियां लाड़लियां फौजां ने घोड़ियां दियां काठियां उपर बतीत कीता है, फिर भी माण कोई नहीं, अहंकार कोई नहीं। अज भी जिवें पहलां ओ जंगलां च रहिंदे सन सिंह, सत्संग जी अज भी इह नगरां दे विच बार बार पड़ाव ला के तंबूआं दे विच रहिंदे ने। सत्संग जी जे माण अहंकार हुंदा तां इह वड्डे वड्डे महल उसार के ते होर लोकां वांग मंत्रियां वांग सत्संग जी इह ऐशो आराम दी जिंदगी भुगत सकदे ने, पर नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब जी दे इस सारे रचे हुए इस संसार दे विच पसारे नूं संभालन वास्ते, बाणी बाणे नूं सत्संग जी संभाल के रखण वास्ते, जो खालसे पंथ दा प्रतीक है शस्त्रां नूं सत्संग जी संभाल के रखण वास्ते इन्हां ने इन्नी वड्डी कुरबानी कीती है। सो मैं बेनती करांगा कि सत्कारयोग सत्संग जी कि बाबा जी ये उद्दम उपराला करन के सारे दमदमी टकसाल दे पुरातन विद्वान तुसी नैट ते सुन सकदे हो, ज्ञानी ठाकुर सिंह जी पटियाले वाले महापुरख, भगत जी कैनेडा वाले दमदमी टकसाल दे विद्यार्थी, संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा महापुरखां दे साथी रहे ने, संत करतार सिंह जी, संत जरनैल सिंह जी भिंडरां वाले महापुरख, उन्हां दा साथ निभाया है भगत जी हुणां ने इंग्लैंड विच सत्कारयोग सत्संग जी, बाबा मोहन सिंह जी, बहुत सारे विद्वान अमेरिका विच, इटली विच, जर्मन विच, फ्रांस विच, सत्संग जी जिहड़े पुरातन विद्वान जिहड़े ने ओह सत्कारयोग सत्संग जी रहिंदे होए उत्थे उगरदंती ते ब्रह्म कवि दा जाप करदे ने, ते उहनां ने दास नालों भी चंगी व्याख्या ब्रह्म कवच दी कीती है। मेरे सत्कार योग सिंह साहब महापुरश ज्ञानी मोहन सिंह जी, सत्कार योग सिंह भिंडर कलां वाले महापुरख, उन्होंने भी ब्रह्म कवच की बाणी बाबत बड़े उन्होंने वडमले बोल ने। सो सत्कार योग सत्संग जी जिते निहंग सिंह जथेबंदियां इस पावन बाणी का जाप कर दियां ने, उत्थे दमदमी टकसाल दे महापुरख विद्यार्थी सत्संग जी इस बाणी दा जाप करदे ने, निर्मल पंथ दे महापुरख सत्संग जी, उदासीन संप्रदा दे महापुरख जाप करदे ने, फिर होर बेअंत सिख संगतां दे विच दास ये कहण तों गुरेज नहीं करेगा
कि 100 दे विच्चों साध संगत जी 85% सिंह जेड़े ने गुरु की लाडली फौज और सिख संगतां ब्रह्म कवि दी बाणी दा जाप कर दियां ने। सो ये महापुरखां नूं जथेबंदियां नूं उद्यम करना चाहिदा है कि विद्वानां नूं उग्रदंती ते ब्रह्म कविच दे जाप दी विशेष तौर ते संथ्या दे करके ज्ञान करवा करके देशां विदेशां विच इस बाणी दा सुचजे ढंग दे नाल प्रचार कीता जावे। बहुत चंगी गल आ जे दसम पावन गुरबाणी दा साध संगत जी किंतु परंतु होया सी ते अज घर घर दे विच दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन बाणियां दी बाणी दियां सेंचियां मौजूद ने संगतां दे हत्थां विच गुटके आ चुके ने। यह तां उदम उपराला है। अकाल पुरख परमात्मा गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब कोई ना कोई साडे कोल जरिया ऐसा बना देंदे ने कि असीं फिर उस रास्ते चल पैने। बहुत चंगी गल आ कि सानू एक समा जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी ने जगा दिता है कि भाई खालसा जी जागो, जाके ते बाणी बाणे दा प्रचार करो। इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां जी, दास तुच्छ है। ये इस करके दास आप संगतां दे रूबरू होया है कि कुछ समय तो बारहवीं दास नूं बहुत सारे फोन आए ने कि इस बाणी बाबत कुछ विचार सांझी कीती जावे। श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल मेरे सत्कार योग बाबा जी श्रीमान बाबा नागर सिंह जी, बाबा बकाला साहब, फिर होर साध संगत जी दल बाबा बिधी चंद, होर जेड़े निहंग सिंह विद्वान ने उन्हां वल्लों दास नूं हुक्म आया सी। सो इतनियां बेनतियां प्रवान करनियां। भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।